नमस्ते दीदी, नमस्ते, कैसे आना हुआ? दीदी सब्जी की खेती तो बड़ा अच्छा लगाए हुए हैं। दीदी देखने में ही अच्छा नहीं है, इनमें अच्छे गुण भी हैं और इन्हीं का नाम है किचन गार्डन। दीदी इसमें कितना लागत लगता है और कितनी जमीन लगती है और इसका देखभाल कौन करते हैं, इसके बारे में जरा बताइए ना। हाँ दीदी बताएंगे। हाँ दीदी चलिए, हम सब जो सब्जी लगा हुआ है, जो जो सब्जी लगाए हैं उसके बारे में हम एक एक करके विस्तार से बताएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, चलिए दीदी हम भी यही सीखने के लिए आए थे, कौन कौन सब्जी यहाँ लगाए हम भी देखते हैं। हाँ हाँ दीदी चलिए हम आपको सारे सब्जियों के बारे में दिखा देते हैं और बता देते हैं। मेरा नाम सुनीता देवी है और अलौली प्रखंड के रामपुर पंचायत में मेरा घर है और एकता वीओ का मैं सदस्य हूँ। और ये जो किचन गार्डन है और उसमें मैं खेती जो होती है मैं उसका देखरेख करती हूँ। मेरा नाम रीना कुमारी है, मैं खगड़िया जिले के अंतर्गत अलौली ब्लॉक में CHNCC का देखरेख करती हूँ। मैं यहाँ किचन गार्डन देखने के लिए आई थी। मेरा नाम बेबी कुमारी है, हम चंदा जीविका स्वयं सहायता समूह का कोषाध्यक्ष हैं और विश्वकर्मा ग्राम संगठन का सदस्य हैं, कार्यकारिणी कमेटी का सदस्य हैं और मेरा घर रामपुर अलौली पड़ता है, जिला खगड़िया। मेरा नाम विनीता कुमारी है, मैं पार्वती जीविका स्वयं सहायता समूह का सदस्य हूँ, घर रामपुर अलौली, जिला खगड़िया, प्रखंड अलौली। हाँ दीदी पहले ये जान लीजिए, एक किचन गार्डन जो हम लगाए हैं वो प्राकृतिक एवं जैविक विधि से लगाए हैं। अच्छा दीदी ये किचन गार्डन में कौन कौन सी सब्जी हम लगाए हैं? देखिए दीदी इसमें भिंडी है, करेला है, नेनुआ है, कद्दू है, कदीमा है, बरबट्टी है, बैंगन है और सब्जी के साथ साथ फल भी लगाए हैं हम। केला है, अमरूद है, अनार है, नींबू है, सारे फल लगाए हैं यहाँ। और ये जो किचन गार्डन में जो फल और सब्जी उगाते हैं वो बगल में CNCC चल रहा है, हम लोग वहाँ वहीं ये सब्जी तोड़ के और देते हैं, वहाँ गर्भवती और धात्री का खाना बनता है और वहीं CNCC में यही सब्जी और फल खिलाया जाता है। दीदी इतना छोटा सा जगह में सब्जी भी लगाए हुए हैं और फल भी लगाए हैं, देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है दीदी। हाँ हाँ देखिए दीदी हम यहाँ पर मौसम के हिसाब से सब्जी लगाते हैं, सर्दी में सर्दी का सब्जी, गर्मी में गर्मी का सब्जी और जैसे कि आजकल बरसात है तो उसके हिसाब से सब्जी अपने किचन गार्डन में लगाते हैं। देखिए दीदी ये भिंडी है और चलिए आपको हम आगे करेला दिखाते हैं। चलिए दीदी करेला तो दीदी बहुत अच्छा है, बड़ा बड़ा है। दीदी ये जैविक का असर है इसलिए ये बड़ा बड़ा है और अच्छा है। देखिए दीदी ये ककड़ी है, ये तो बहुत बड़ा ककड़ी है। अच्छा दीदी ये एक छोटा सा भी ककड़ी है इसे। दीदी ये क्या चीज़ का पौधा है? दीदी ये ओल का पौधा है, इसका सब्जी बनता है, इसके मिट्टी के नीचे जो होता है सब्जी उसका बनता है और उसका चटनी भी आप बना सकते हैं और इसका जो है इसको खाने से पाचन क्रिया बहुत अच्छा होता है। तब तो दीदी ये बहुत फायदेमंद है। हाँ दीदी देखिए दीदी ये बरबट्टी है, फूल रहा है, अब ये फल देने वाला है। बहुत अच्छा दीदी, बड़ा अच्छा। और दीदी एक बात और, इसको गांव में आदमी बोरा के नाम से जानते हैं। अच्छा बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में दीदी। दीदी देखिए ये कद्दू है, बहुत बड़ा है दीदी कद्दू। चलिए अब हम आपको नेनुआ दिखाते हैं। चलिए देखिए दीदी ये नेनुआ है, यहाँ भी है दीदी। और क्या क्या लगाए हैं दीदी चलिए दिखा दीजिए। अब चलिए आपको फल दिखाते हैं। चलिए दीदी ये सब्जी बहुत सारे लगाए हुए हैं, आप बताए थे प्राकृतिक और जैविक खेती के द्वारा लगाते हैं, तो प्राकृतिक और जैविक खेती क्या होता है दीदी? दीदी प्राकृतिक और जैविक खेती उस तरह से होता है कि उसमें रासायनिक खाद नहीं डालते। दीदी ये जो सब्जी है उसमें जो है ये रासायनिक खाद के बदले में हम लोग जीवामृत, घनजीवामृत और स्प्रे करते हैं ब्रह्मास्त्र और निमास्त्र। अच्छा दीदी ये तो बड़ा अच्छा जानकारी दी है। दीदी अब हम आपको सारे सब्जी के बारे में तो बता दिए, अब सहजन का जो आप लोग सब्जी तो सब दीदी खाए होंगे। हाँ, लेकिन पत्ते में जो विशेषता है वो हम आपको बताइए। दीदी ये पत्ता जो है इसमें विटामिन और आयरन होती है, इसलिए जो गर्भवती और धात्री महिला जो है उनको खाना अति आवश्यक है।
दीदी, लेकिन ये तो पत्ता है, ये खाने में अच्छा लगेगा दीदी? दवाई जो होती है वो कैसी होती है? कड़वी होती है, तो सोचिए ना कि दवाई के रूप में इसको दिया। अच्छा दीदी, इसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं थी, अब जान गई ना। बहुत अच्छा बात बताया दीदी, सब दीदी समझ गई। पहले तो सिर्फ खाली इसका सब्जी ही खाते थे दीदी, पत्ता तो हम लोग नहीं खाते थे कभी, लेकिन अब जानकारी मिल गई है पत्ता हम कितना भूल। ठीक है, अब आप मुझे भूल करके देखिए पत्ता को हम कैसे बनाएंगे। ये पत्ता है जो दीदी, आप समझ लीजिए कि आटा में भी गूंद के रोटी बना सकती हैं, और दाल में डाल के जैसे दलसग्गा बनाते हैं गांव में, दल भाजी उसमें भी डालते हैं, और इसके साग के रूप में भी बना के रोटी के साथ खा लेते हैं। अच्छा दीदी, ये तो बड़ी अच्छा तरीका बता दिए हैं सब्जी बनाने की विधि को, आप समझ गई ना जी? समझ गया। ठीक है, चलिए अब हम आपको फल के बारे में बताते हैं। चलिए दीदी। दीदी वो देखिए केला, वो केला जो है उसमें आयरन और पोटासियम दोनों चीज रहती है, इसलिए गर्भवती केला तो सभी को खाना चाहिए, लेकिन गर्भवती और धात्री को जरूरी है। ये केला जो है, हम केला को न्यूट्रिशन सेंटर जो उसमें। अच्छा दीदी, इसलिए गर्भवती और धात्री दीदी को सेंटर को दिया जाता है? हाँ दीदी। अरे दीदी, आप अनार का भी पौधा लगाई है? हाँ दीदी, अनार को खाने से, अनार इसलिए हम लगाए हैं कि सभी दीदी अपने अपने घर आंगन में लगाएं, और सभी आदमी को अनार खाने के लिए मिल जाए, और सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तब तो दीदी अनार स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। हाँ दीदी, हम तो बोलते अपना इस धरती पर यहाँ नहीं होगा अनार, लेकिन देखते हैं दीदी को तो बहुत अच्छा लगा हुआ है, अब हम भी अपने घर पर अनार लगाएंगे। दीदी, अनार के बगल में ये अमरूद का भी पेड़ लगाए हैं? हाँ दीदी, ये तो पेट के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है। इसमें तो दीदी विटामिन सी की मात्रा रहती है, और आयरन भी पाया जाता है, ये गर्भवती और धात्री दीदी के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा दीदी, हमारे घर में भी अमदूर का पौधा है, मेरे शरीर में आयरन की कमी है, तो अमदूर खाएंगे तो उससे भी आयरन पूर्ति हो जाएगा। हाँ दीदी। दीदी अब तो मक्का भी लगाए हैं? हाँ दीदी, मक्का बहुत ही अच्छा चीज है, इसमें विटामिन पाया जाता है, और कभी कभी सेंटर पर जो है गेहूँ और मक्का का आटा मिला के रोटी बनाते हैं। सेंटर के बगल में नींबू का भी पौधा लगाए हैं? हाँ दीदी, इसमें विटामिन सी पाया जाता है, और जितने भी फल हैं उसके 4 गुना अधिक इसमें विटामिन पाया जाता है। तो हम भी अपने अपने घर में लगाएंगे दीदी? हाँ दीदी, लगा सकते हैं। अच्छा दीदी, ये बताइए ये किचन गार्डन जो लगाए हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हाँ दीदी, ये जो किचन गार्डन है हमारे अलौली प्रखंड के अंदर, एक रामपुर पंचायत में एकता ग्राम संगठन के अंदर एक CNCC जिसको पोषाहार केंद्र बोलते हैं, ये चल रहा है, और उसी में ये जितने भी किचन गार्डन में साग सब्जी और फल जो भी होता है हम यहाँ अपना यहाँ खेती करके, और हरी साग सब्जी फल ताजी जो होती है रोज दे देते हैं सेंटर में, और इसमें सेंटर में देने के बजाय आप जो जितने भी मतलब खरीदारी दीदी हैं उनको समय का और पैसे का बचत होता है। अच्छा, तब तो इससे बहुत फायदेमंद। हाँ दीदी, कम लागत में हम सब्जी उगाते हैं। बहुत अच्छा काम है दीदी, यहाँ पर किचन गार्डन में सब्जी उगाए, यहाँ से सेंटर में दे दिए, बहुत अच्छा हुआ। हाँ दीदी, यहाँ जो है मुझे पैसा भी नगद मिल जाता है, और मेरा जो किचन गार्डन में साग सब्जी है पोषाहार केंद्र में देते हुए जो बचत होती है उसको हम बाजार में भी बेच देते हैं। बहुत अच्छा। अच्छा दीदी, इसके क्या क्या फायदे होते हैं? दीदी इनके 3 फायदे हैं, एक तो हरी और ताज़ी सब्जी मिल जाती है रोज, और दूसरी है गर्भवती और धात्री को रासायनिक खाद, जो बाजार की सब्जी में रासायनिक खाद होती है, यहाँ की सब्जी में साग में खाद नहीं डाला जाता है, प्राकृतिक रूप से उपजाया जाता है। दीदी जो गर्भवती महिला खाना खाती है उसके गर्भ में जो बच्चा है उनका स्वास्थ्य बेहतर है। हाँ दीदी, आपने तो हमें बहुत अच्छा जानकारी दी है, आप जो CNCC सेंटर में जो किचन गार्डन लगाए हैं बहुत अच्छा जानकारी दिए हैं इस सब के बारे में, हम भी जाएंगे और अपने गाँव में सभी दीदी से कहेंगे कि इसी तरह किचन गार्डन लगा भी और अच्छा से लगा। दीदी हमारे यहाँ भी वहाँ CNCC सेंटर है, वहाँ प्राकृतिक विधि से नहीं होता है, पोशक बगीचा नहीं लगाते हैं, हम भी यहाँ से देख के जाएंगे, प्राकृतिक खेती के बारे में दीदी को बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने जो सुबह से इन किचन गार्डन के बारे में बताया,
पहला तो है कम लागत पे कम समय में सब्जी, हरा सब्जी मिल जाता है और सेंटर में उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और दूसरा है कि सेंटर की जो दीदी है उन्हें बाज़ार नहीं जाना पड़ता है और ताज़ा ताज़ी सब्जी सेंटर के लिए मिल जाता है समय पर। इससे दीदी सेंटर पे गर्भवती और धात्री माता को संतुलित और पौष्टिक आहार भी मिल जाता है। ठीक है दीदी, सुबह से आपने समय दिए और इतना चीज़ सीखे और आप अपने अपने वहाँ घर पर जाके सभी दीदी को बताइए कि अपने अपने घर आंगन में किचन गार्डन लगाए और साग सब्जी और फल का लाभ लिए। दीदी चलते हैं, आइए करबे बीए करबे छोड़बे रासायनिक खाद रे, आइए करबे बीए करबे छोड़बे रासायनिक खाद रे, जैविक विधि से खेती करबे माँ बच्चा के करबे स्वस्थ रे, जैविक विधि से खेती करबे माँ बच्चा के रखबे स्वस्थ रे, आइए करबे बीए करबे बनबे हम किसान रे, आइए करबे बीए करबे बनबे हम किसान रे, तन मन से हम खेती करबे रोपबे करेला कद्दू आम रे।